दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में शौक़ पालना ज़रूरी है, इसलिए मैंने भी अपने ज़िंदगी में थोड़ा बहुत शौक़ पाले हैं, जो है अपने लाइफ में बहुत सारा एडवेंचरस चीज़ें करना। तो इसलिए मैं अपना छोटा सा लेकिन काफ़ी एडवेंचरस शौक़ पूरा करने के लिए निकल पड़ा अपना कुछ सामान और अपना स्कूटी लेकर सोलो नाइट कैंपिंग एंड कुकिंग का मज़ा लेने। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने कैसे पूरी रात सोलो कैंपिंग और कुकिंग किया, तो इस वाले वीडियो में आप देखेंगे कि मेरा कैंपिंग लोकेशन और यहाँ के सुंदर वादियाँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और काफ़ी अच्छा नींद आया मुझे, और क्योंकि मैं ये एक जैकेट भी पहन के सोया था और उसके बाद मैं स्लीपिंग बैग, तो बिल्कुल भी मुझे ठंडा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हवा के मतलब झोंके बहुत आ रहा था, और इधर पे पूरा टेंट को ऐसे ऐसे फरफर फरफर करके आवाज़ आ रहा था गाइस। गाइस ये रहा मेरा टेंट, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरा पास में स्कूटी है, और यहाँ पे देखिए जो डॉगी का बात कर रहा था मैं, वो अभी तक यहीं पर है। मेरा ये उस तरफ मैंने यहाँ पर सोया हुआ था, उसके बाद में उस तरफ सोया हुआ था, उसके बाद में फिर इस तरफ सोया हुआ है। देखिए ये पूरा एकदम प्लेस चेंज करते करते ये सोया हुआ है, इधर उधर पूरा एकदम प्लेस चेंज कर रहा है, एकदम काफ़ी अच्छी तरीके से सूरज देवता भी उग चुका है। और मेरा टेंट देखिए, अगल बगल में गांव वगैरह है, ये पिकनिक स्पॉट है, तो मुझे उतना टेंशन नहीं रहा, क्योंकि उस तरफ जो है कुत्ते वगैरह भी भूख रहा था रात में, और एक तो मेरा दोस्त तो एक तो यहीं पर आके सो गया, तो उसके लिए मुझे उतना टेंशन नहीं रहा। अगर कुछ आ जाता है, फॉक्स वगैरह आ जाता है, तभी भी ये इसको तो पहले पता चल जाएगा, तो उसको उतना मेरे को टेंशन नहीं था। तो देखिए थोड़ी देर बाद में मैं अभी दिखाता हूँ आपको ये टेंट किस तरीके से मैंने सेटअप किया, उसके बाद यहाँ का ड्रोन फुटेज भी दिखाता हूँ गाइस। तो चलिए अभी थोड़ा बर्तन साफ कर लेते हैं, उसके बाद में खुद भी थोड़ा साफ होते हैं, उसके बाद में फिर चाय कॉफी जो भी हो जाए होता है। सो गाइस अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ, और मेरा जितना भी बर्तन था वो सब भी साफ हो चुका है, और अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉफ़ी, उसके बाद में फ्राई राइस करते हैं अंडे के साथ, उसके बाद में यहाँ का ड्रोन फुटेज, उसके बाद में चलते हैं। सेटअप रेडी हो चुका है कॉफ़ी का, तो ये रहा सेटअप, अभी इसमें बनाऊंगा, क्योंकि दूसरे बर्तन में मेरा जो है थोड़ा बहुत राइस बचा हुआ है, इसलिए मैं वो वाला बर्तन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाला बर्तन में मैं थोड़ा बनाता हूँ। बढ़िया, थोड़ा कॉफी पाउडर ज़्यादा हो गया, फिर भी ठीक ही है। और टाइम जो हो चुका है 8:05 करीबन हो चुका है, तो अगर आपने तो गाइस अगर आपने मेरा कल वाला जो वीडियो है वो वाला नहीं देखे, जो कि नाइट मैंने कैंपिंग किया था, वो नाइट कैंपिंग जो सोलो कैंपिंग था, वो वाला वीडियो नहीं देखे, तो जल्दी से जाके देख लीजिए, और उस वीडियो में प्यार दीजिए आप लोग, और ये जो है मेरा कॉफ़ी मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।
अरे गाइस, आप लोग अभी तक यहीं पे है, चलिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते रहेंगे या सब्सक्राइब भी करेंगे, इसी तरह से मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यार। तो गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड ऑमलेट बनाऊंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि ब्रेड ऑमलेट बनाऊंगा, जो मेरा बचा हुआ राइस था, वो बचा हुआ राइस जो है मैं, ये दोस्त है मेरा, इसको मैं दूंगा, क्योंकि ये रात भर मेरा ड्यूटी किया, इसीलिए बाहर में कभी इधर पे सो रहा था, कभी उधर पे सो रहा था, कभी उस पर सो रहा था। मैं रात में आके देखा तो रात में भी सो रहा था, तो सुबह देखा तो फिर मैं ढूंढा, इधर उधर ढूंढा तो उस तरफ गया था, तो मैं सोचा कि वो चला गया होगा, तो फिर देखा कि उस तरफ सोया हुआ है, तो इसको भी देना जरूरी है। तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट में बनेगा ब्रेड ऑमलेट और कॉफी, उसके साथ में फिर से उसके लिए बनेगा, उसके लिए क्या मतलब, उसको मैं जो बचा हुआ खाना है वो दे दूंगा। तो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और कॉफ़ी फिर से मैं तैयार कर चुका हूँ, और यहाँ पर कॉफ़ी बन रहा है, आप देखिए, वाह जबरदस्त कॉफ़ी, ये रहा मेरा कॉफ़ी, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे रहा ब्रेड ऑमलेट, ये देखिए ब्रेड ऑमलेट और कॉफ़ी का आनंद लेते हुए प्रधानस ब्लॉग फैमिली, तो मेरे साथ आप भी ब्रेड ऑमलेट का आनंद लीजिए। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया गाइस, फिर भी ठीक है, कॉफी एकदम कड़क बना हुआ है। कैंपिंग का मजा यही है, बस कैंपिंग करो, खाना बनाओ, खाओ पियो सो जाओ, बस यही देखने को मिलेगा, और ज्यादा घूमने का जगह तो मैं कैंपिंग वाले ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद जितना भी ब्लॉग आएगा ना गाइस, तबाही वाला ब्लॉग आने वाला है, एकदम एडवेंचरस एडवेंचरस ब्लॉग आने वाला है गाइस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बढ़िया। और कुछ यहां पर खाना बचा हुआ है, वो राइस जो है, कल वाला राइस, और वो राइस मैं दूंगा, डॉगी बैठा हुआ बाहर, उसको मैं दे दूंगा। तो गाइस, मैं अभी यहाँ पर करता हूँ ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट और कॉफी के साथ में, मैं इंजॉय करूंगा, आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ का ड्रोन फुटेज को भी इंजॉय कीजिए गाइस। ब्रेकफास्ट हो चुका है, और आपको भी ये ड्रोन फुटेज अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अभी मैं इस सबको, मैं जितना भी सामान वगैरह है साफ कर लेता हूँ, यहाँ पे जितना भी कचरा वड़ा पड़ा हुआ है वो ये वाले प्लास्टिक में डाल दूंगा, और सही जगह में डंप कर दूंगा, और उसके बाद में
ये टेंट का जितना भी पैकअप कर लूंगा, सामान वगैरह पैकअप कर लूंगा, उसके बाद में चलते हैं घर। गाइस मेरा ऑलमोस्ट पैकिंग वगैरह हो चुका है, दोनों सैडल बैग फुल हो चुका है, और ये जो अभी यहाँ पे डालते हैं उसके बाद में टेंट को करते हैं पैक और उसके बाद में चलते हैं। तो ये टेंट जो है कुकिंग सेट है, जितना भी मेरा सामान है, कल मैंने कुकिंग के लिए यूज किया, मैं टेंटिंग के लिए, कैंपिंग के लिए यूज किया, जितना भी सामान है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो लिस्टेड है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं ये टेंट मैंने कितने में लिया, साथ ही में कुकिंग सेट कितने में लिया, चूल्हा कितने में लिया, बुटेन का जो गैस है वो कितने में लिया, ये सब आप लोग को मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग को जानना है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, या तो आप पार्टिकुलरली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस इसको करते हैं पूरा एकदम फिर अनपैक, उसके बाद में चलते हैं। ऑलराइट गाइस, ये प्लेस जो है अभी मेरे को छोड़ने का समय आ चुका है, और मेरा यहाँ पर पूरा लगेज यहाँ पे पैकअप हो चुका है, और टेंट का जो मैंने टेंट वगैरह सब यहाँ पे डाल चुका हूँ, जितना भी सामान था मेरा लोडेड हो चुका है गाइस। तो ये जगह छोड़ने का समय आ चुका है। तो लास्टली फिर भी बोलना चाहूंगा, अगर इससे पहले वाला जो फर्स्ट एपिसोड आप लोग ने नहीं देखा हो तो जल्दी से जाके देख लीजिए, और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले गाइस। तो ये वीडियो मैं यहीं पर इन करता हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, साथ ही में चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, और बेल वाले आइकन को भी दबा देना गाइस। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो मिलते हैं एक ऐसे ही एडवेंचरस नेक्स्ट ब्लॉग पे गाइस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।